वेलकम टू स्टडी फिटनेस चैनल। इस वीडियो में गाइस मैं आज आपको बताने वाला हूँ होममेड प्री वर्कआउट शेक, जो आप जिम जाने के पहले ले सकते हैं, पी सकते हैं, और ताकि जो आप वर्कआउट जब करने जाएंगे आपके पास काफी एनर्जी रहेगी और आप अच्छे से वर्कआउट कर पाएंगे। सबसे अच्छी चीज इस प्री वर्कआउट शेक की है गाइस, आप इसको घर में बना सकते हो और गाइस जो इसमें इंग्रेडिएंट्स है वो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे और आप इसको 5 मिनट के अंदर अंदर बना सकते हो। और गाइस बहुत ही अच्छा है प्री वर्कआउट शेक, ये आपको लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी भी देगा जो आपको जिम करते वक्त चाहिए और आप अच्छे से वर्कआउट भी कर पाओगे। ये जो प्री वर्कआउट शेक है ये उन लोगों के लिए है जो मसल गेन करना चाहते हैं, क्योंकि गाइस इसमें जो मैं इंग्रेडिएंट्स यूज करूंगा इसमें कार्ब्स ज्यादा है, थोड़ा प्रोटीन भी है और थोड़ा फैट भी है, तो ये उन लोगों के लिए है जो मसल गेन करना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले गाइस अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन बना हुआ है उस पर क्लिक करें और जो उसके बगल में बेल का आइकन है उसको भी क्लिक करें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशंस के बारे में आपको पता चल सके। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक और इंग्रेडिएंट के बारे में बताऊंगा जो आपको प्री वर्कआउट शेक में ऐड करना है। बिलीव मी गाइस ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अच्छा, बहुत ही हेल्दी इंग्रेडिएंट है, इसलिए गाइस इस वीडियो का पूरा लास्ट तक देखिए, नहीं तो आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको प्री वर्कआउट शेक में आपको ऐड करना है वो आप मिस कर जाओगे। आगे बढ़ने के पहले गाइस मैं आपको प्री वर्कआउट मील यानी कि जिम जाने के पहले जो आप मील खाते हैं उसके बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि गाइस ये जो मील होता है प्री वर्कआउट मील बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस। अगर आप मसल गेन करना चाहते हैं तो गाइस आपके लिए तो बहुत जरूरी है कि आप जिम करने से 1.5 से 2 घंटे पहले कुछ आप मील खा कर जाएं, ताकि जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो जो जिम करते वक्त जो हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए वो मिल सके। इसलिए गाइस प्री वर्कआउट मील जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप नहीं खाएंगे तो आप सही से एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे और आपको मसल गेन करने में काफी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि गाइस जब आपके पास एनर्जी ही नहीं रहेगा वर्कआउट करने के लिए, आपके बॉडी के पास एनर्जी नहीं रहेगा तो आप कैसे इफेक्टिव वर्कआउट कर पाओगे। हम स्टार्ट करते हैं अपने प्री वर्कआउट शेक के साथ। सबसे पहला इंग्रेडिएंट रहेगा वो है गाइस ये ओट्स, अराउंड 30 ग्राम ओट्स आपको रखना है अपने प्री वर्कआउट शेक के लिए। जो सेकंड इंग्रेडिएंट है उसमें हमारा रहेगा कर्ड यानी कि दही। दही गाइस आपको अराउंड 200 ग्राम कर्ड लेना है अपने प्री वर्कआउट शेक के लिए। प्री वर्कआउट मील में थोड़ा बहुत प्रोटीन भी होना जरूरी है, तो ये मेनली प्रोटीन के लिए आपको कर्ड ऐड करना है, इसलिए गाइस लो फैट वाला आप लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अगर आप हाई फैट वाला लोगे तो डाइजेस्ट होने में ज्यादा टाइम लगेगा। जो थर्ड हमारा इसमें इंग्रेडिएंट रहेगा उसमें रहेगा गाइस ये बनाना, आपको वन लार्ज बनाना ऐड करना है। चौथा जो हमारा इंग्रेडिएंट रहेगा वो रहेगा गाइस पीनट बटर, इसको वन स्पून पीनट बटर हमको रखना है। इंग्रेडिएंट्स बताया उस सबको हम अब मिक्सर में डालेंगे और उसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे उसको मैंने इस मिक्सर के अंदर डाल दिया है, इसको मैं आपको थोड़ा पास से भी दिखा देता हूँ। ये हमारा इंग्रेडिएंट है सारा, इसमें पीनट बटर, ओट्स, बनाना, कर्ड सब कुछ है। अब गाइस हमने क्या करना है, इसको ब्लेंड कर लेना है। तो आप देख रहे हैं गाइस इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा हमें, मुश्किल से गाइस 3 से 4 मिनट आपको लगेगा बनाने में, तो गाइस बहुत ही आसान है इसको बनाना। अब मैं इसको ब्लेंड करके आपको दिखाता हूँ। एक चीज गाइस मैं और बता दूं, आप चाहे तो इसमें आप थोड़ा वाटर भी डाल सकते हो, क्योंकि जब आप ब्लेंड करोगे तो काफी थिक पेस्ट इसमें क्रिएट हो जाएगा, काफी ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, तो उसको अगर आप थोड़ा थिन करने के लिए थोड़ा वाटर भी मिला सकते हो, तो मैं इसमें थोड़ा वाटर भी मिला लूंगा। तो गाइस ये है फाइनली हमारा प्री वर्कआउट शेक, इजी टू मेक और काफी ज्यादा हेल्दी, काफी ज्यादा एनर्जी भी आपको देगा जब आप जिम करने जाएंगे, लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी भी मिलेगा क्योंकि इसमें आपने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट डाला हुआ है ओट्स। तो गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आप सप्लीमेंट लेते हो जिम जाने के पहले तो आप इसमें सप्लीमेंट भी अपना जो प्रोटीन पाउडर है, वे प्रोटीन, वो भी ऐड कर सकते हो अगर आपको और प्रोटीन बढ़ाना है तो, या फिर अगर आप जैसे अगर आप दही नहीं खाना चाहते हो तो उसकी जगह भी आप वे प्रोटीन का यूज कर सकते हो, ये आपका चॉइस है। लेकिन मैंने वे प्रोटीन का यूज नहीं किया है, मैंने सिंपल बनाया है ताकि सब लोग जो है इसको आसानी से घर पे बना सके। शेक में आपको आराम से 18 ग्राम प्रोटीन, 70 ग्राम कार्ब्स और 16 ग्राम फैट मिल जाएगा, जो कि बहुत सही है प्री वर्कआउट के लिए अगर आपको मसल गेन करना है तो। आपको 1.5 घंटे पहले इसको कंज्यूम करना है, जिम जाने के 1.5 घंटे पहले, ताकि जो है जब आप जिम करने जाएंगे इजिली आपके शरीर में डाइजेस्ट हो जाए। साथ में मैंने आपको एक बताया था कि मैं एक इंग्रेडिएंट के बारे में बताऊंगा, ये है इसको गैस फ्लैक्स सीड्स बोलते हैं, और अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे हम गैस को अलसी भी बोलते हैं, आप अपने मार्केट में जाके पूछ सकते हो। इसको गैस मैंने ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं गैस ये जो फ्लैक्स सीड है, वैसे तो गैस ये सीड जैसा होता है लेकिन मैंने इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है, तो गाइस इसलिए पाउडर्ड फॉर्म में हो गया है। मैं इसमें
हाफ आधा चम्मच मैं इसमें डालता हूँ अपने प्री वर्कआउट शेक में। इसमें हेल्दी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, क्योंकि जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है वो जनरली फिश में मिलता है, तो अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो आपके लिए यहाँ पे बेनिफिट है। ये प्लांट सोर्स है, आपको इजिली मार्केट में मिल जाएगा। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं और बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, तो आप इसको गाइस जरूर अपने डाइट में ऐड करें और प्री वर्कआउट शेक में भी आप इसको ऐड कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।